शासन प्रशासन के द्वारा लोगों को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान दिया गया था। उस मकान में प्रत्येक हितग्राही को 66,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया गया था, किंतु यहाँ के लोगों को ये 3 साल होने जा रहा है और इनको 25 व 30 ही हज़ार रुपये मिला है। कौन सी योजना के तहत बना था ये मकान? इंद्रावास। इंद्रावास, इंद्रावास योजना के तहत। हाँ। तो उसमें कितना पैसा आया था? 66,000। तो 66,000 आया था, तो 66,000 में तुमको कितना मिला? एक बार 15 लाए हाँ, और एक बार 10,000 लाए। बस इतने से हजार में कहाँ मकान बन जाओ 25,000 में। 2,000 और ऊपर से ले लिए सरपंच साहब ने। काहे के पैसे लिए उनने? कागज बनाए के, दस्तखत करने, दस्तखत करने के। अभी अपना मकान कैसे तैयार करोगे? अब कैसा करेंगे? अब आप बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में के तुम्हारे खाता में पैसा नहीं है। हाँ। आप पैसा निकल गया। हाँ। सचिव सरपंच ने निकाल के ले भागे के। उनका मकान अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अब नहीं सर जी, हम तो दिलवा दिए उनको, वो तो नौकरी में बच्चन को लगा दी और खर्च कर लिए, बांधे नहीं, इतका कर लेंगे। अब उनका कहना तो ये है कि अभी हम लोगों को और पैसा नहीं मिल पा रहा है, हम लोग अभी 25-30 हज़ार से ज्यादा नहीं निकाले, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? नहीं जी, वो आप सचिव ही बताएगा उसको। तो यदि तुमने पैसा नहीं देने के लिए बोले तो उनने कुछ बोले थे क्या? उनने बोले थे कि मैं नहीं करता दस्तखत, जाओ किसी से भी करवा लेना, मेरे से नहीं बन रहा, पैसा नहीं दे रहे हैं। तो पैसा लेकर के साइन करता था क्या? हाँ। तो अब आप आगे क्या चाहते हो? आगे क्या चाहेंगे, अब पैसा मिलेगा जब तो मकान बनाएंगे ना, क्या करके बनाएंगे, अब गिर तो गया है। टोटल 25,000 रुपये मिला आपको? हाँ। तो ऊपर भी कबीली नहीं डाल पाए? नहीं डाल पाए, थोड़ा पैसा मिलता जब तक कबीली डाल। सब तो बनिहारी में लग गए, बनिहार भी चिल्ला रहे हैं अभी, जान खाते। लोगों को जो इंदिरा आवास योजना के तहत मकान मिला था, उस मकान का जो बचा हुआ पैसा है, वो पैसा इन गरीबों को मिलना चाहिए। आप हमारे तामिया ब्लॉक के जनपद सीओ महावीर जैन से 071-4927-2303 पे बात करके उन पर दबाव बनाएं और हमारा सहयोग करें। मैं राजू परतेती, छिंदवाड़ा ज़िले से, इंडिया अनहर्ट के लिए।